बात करते हैं अयोध्या की, जहां अंबिकापुर बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह भारी उल्लास के साथ शुक्रवार को अधिवक्ता हाल में संपन्न हुआ है। नए पदाधिकारियों ने पद व गोपनीयता की शपथ लेते हुए वादकारियों के हित में सतत प्रयत्नशील रहने की संकल्पना व्यक्त की है। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य आकर्षण रहे अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर अमित सिंह चौहान ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों की संकल्पना को साकार करते हुए कदम से कदम मिलाकर चलने तथा सहयोग का आश्वासन दिया है। इस दौरान उन्होंने स्वर्गीय मुन्ना सिंह चौहान के नाम पर एक आदत अधिवक्ता सीट देने का ऐलान किया है। अपने उद्बोधन में विधायक डॉक्टर अमित सिंह चौहान ने बारवा बेंच के मौजूदा अधिकारियों से ग्रामीण अंचलों से आने वाले वाद कार्यों को न्याय दिलाने के लिए आपसी सामंजस्य स्थापित करने का अनुरोध किया है। उन्होंने हड़ताल पर चिंता व्यक्त करते हुए इससे निजात पाने के उपाय खोजने का भी बार तथा बेंच से अनुरोध किया है। ग्रहण समारोह का संचालन वरिष्ठ अधिवक्ता राम जगत तिवारी ने किया तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में जिलाध्यक्ष संजीव सिंह, ब्लॉक प्रमुख, उप जिलाधिकारी अंबिकापुर प्रशांत कुमार, तहसीलदार राकेश वर्मा, राजकुमार पांडे, राष्ट्रीय कवि जमुना उपाध्याय मौजूद रहे। कार्यक्रम को मुख्य रूप से निवर्तमान अध्यक्ष मैनुद्दीन, संजीव सिंह, अवधेश पांडे, राजकुमार पांडे, श्रीकांत तिवारी ने संबोधित किया। विराट 24 के लिए अयोध्या से मनोज यादव की रिपोर्ट। कि हमारे यहाँ अभी तक हड़ताल ज़्यादा होती है, उसकी वजह से मैं सोच रहा हूँ कि हफ्ते में कम से कम 4 दिन हम कोर्ट चलाएंगे और जितने भी बातकारी हैं इनको न्याय दिलाएंगे। जूनियर अधिवक्ता जितने हैं उनके विषय में मैंने ये सोच रखा है कि कम से कम 10 साल के नीचे के जितने भी प्रैक्टिशनर हैं उनका काम अदालतों पर बिना किसी भी शुल्क की करी अदालतें, इसके लिए मैं अदालतों से निवेदन भी करूंगा, लड़ाई भी लड़ूंगा। और जो जानना चाहते हैं आप बताइए। 100% प्रयास करेंगे हम कि सबसे पहले तो मुख्य बिंदु हड़ताल है। हड़ताल की वजह से कोर्ट पे काम नहीं हो पाता, काम नहीं होगा, न्याय नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहले कोर्ट के काम के विषय में सोचेंगे कि कोर्ट में जितना से जितना ज़्यादा काम हो। अब कंडोलेंस वगैरह को छोड़ के शेष में ही चाहेंगे कि प्रस्ताव कम से कम हो। अध्यक्ष जी काफ़ी कल परसों में सुन रखा था कि शायद दीवानी न्यायालय यहाँ आ चुका है, जिला जज ने कुछ लिखा पढ़ी कर दिया इसके लिए। तो आप प्रयास करेंगे कि हमने तो कह दिया था अपने एजेंडे में भी कि हम हर दूसरे महीने अपने यहाँ से लिखा पढ़ी करके 3 सदस्यीय कमेटी गठित करेंगे, उसको जिले पर भेजेंगे और जिला जज से मुलाकात करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो हाईकोर्ट भी हो जाएगी।